ऑफ अदे मैं कैसे करूं हिप हॉप एटीट्यूड हर फील्ड करे टॉप फ्लॉप तू तो बचता ही नहीं जा ढूंढ ले तू जॉब इन द कैरी शॉप रॉब कैरी शॉप हुड में रॉब करता नहीं हर लाइन खुद से इस जिंदगी पे मैंने लिखी है कहानियां जो देखे एक बार देखे मुड़ के याद रखो कभी सांप न पालो ना जरूरत हो किसी की खुद को ऐसा बनो ऊपर वाला देता है बहुत मस्त लाइन हर वक्त आएगा तब तक हाँ खुद को संभालो करने जब बैठे पड़े टाइम से फर्क नहीं मेरे बाप की ना हो जो यहाँ कोई ऐसी सड़क किसी से नहीं आया यहाँ करने कंप्लीट सामने जो टिक जाए ऐसा लड़का कोई कड़क नहीं डॉन में यहाँ का ये भाई पहले गाने में दिल जीत लिया भाई मेरा मुदस्सर राशिद खुदा का डॉन में यहाँ का ये मेरा है जहाँ तक बात करूँ स्टैगजी भाई की तो मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत डिस करते हुए नजर आए अपने दोस्त को तो अब वो दोस्त किसको कह रहे हैं मेरा दोस्त वो तो था ही फेक तो ये तो आप समझ ही सकते होंगे कि वो दोस्त किसको कह रहे हैं। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे एक नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है ना आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ स्टैगजी भाई के नए गाने पे जिसका टाइटल है डॉन एंड ये गाना ट्राई म्यूजिक लेवल पे नहीं आया है गाइज ये गाना ट्राई म्यूजिक लेवल पे क्यों नहीं आया है इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे एंड ये गाना आया है मुदस्सर राशिद के चैनल पे इसका भी इस गाने के अंदर पार्ट है मतलब दोनों का कोलैब है स्टैगजी भाई एंड मुदस्सर भाई का कोलैब है ये गाना एंड इसमें मेरा रिएक्शन होने वाला है देखते हैं गाना कैसा होता है एंड मुझे कैसा लगता है ये गाना एंड मुझे क्या कहना है इस गाने के बारे में सारी चीजें आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करो इसी तरह की अमेजिंग रिएक्शन वीडियोस अगर आपको देखनी अच्छी लगती है मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है जल्दी ही हम 30K क्रॉस करने वाले हैं तो मेरी इस जर्नी में अगर साथ देना चाहते हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ तो स्टार्ट करते हैं गाने को लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है ओह वाओ डॉन मेरा इंतजार तो क्या डॉन की आवाज शाहरुख खान डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं ओहो डॉन में यहाँ का ये मेरा है ये मुदस्सर जी की आवाज है खुदा का डॉन में यहाँ का ये मेरा है इलाका तेरे शहर डालू ढाका सर पे हाथ है खुदा का ओहो यहाँ का ये इलाका तेरे शहर डालू ढाका सर पे हाथ है खुदा का डॉन में यहाँ का डॉन में यहाँ का कौन में यहाँ का डॉन में यहाँ का मसले इसने किए मेरे पीछे है पुलिस मेरे यारों के लिए मैं एक नंबर चीज डॉन होके भी डाउन टू अर्थ जब डॉन होके डाउन हो जाते हैं फ्रीज माइक पे मैं शेर की तरह दहाड़ू दिल में वैसे बहुत हार्ड हूँ करते हैं मुझ पे ये वार सामने जो आए चुन चुन के हफाड़ू गली गली में खौफ देख मेरे नाम का शहर साफ कर घर पहुंचा शाम का न्यूज़पेपर की बना हेडलाइन में समंदर किनारे बैठा इंतजार कर रहा जाम का मैं पास सबसे ऊंची किनारे इंतजार कर रहा जाम इतिहास यार चार जो करते हैं जान भी कुर्बान ऐसे अरे गहरे ना मेरे आस पास मैं कैसे करूँ हिप हॉप हर फील्ड करे टॉप फ्लॉप तू तो बचता ही नहीं जा ढूंढ ले तू जॉब इन द कैरी शॉप रॉब मेरा हुड में रॉब करता नहीं हर लाइन खुद से इस जिंदगी पे मैंने लिखी है कहानियां जो देखे एक बार देखे मुड़ के याद रखो कभी सांप न पालो ना जरूरत हो किसी की खुद को ऐसा बनो ऊपर वाला देता है बेशुमार वक्त आएगा तब तक हाँ खुद को संभालो yes. करने जब बैठे पड़े टाइम से फर्क नहीं मेरे बाप की ना हो जो यहाँ कोई ऐसी सड़क नहीं मैं किसी से नहीं आया यहाँ करने कंप्लीट सामने जो टिक जाए ऐसा लड़का कोई कड़क नहीं डॉन में यहाँ का ये मेरा तेरे पहले गाने में दिल जीत लिया भाई मेरा इलाका तेरे शहर खुदा का डॉन में यहाँ का ये मेरा है इलाका शहर डालू ढाका सर पे खुदा का डॉन में यहाँ का डॉन में यहाँ का कौन में यहाँ का मैं डॉन तेरे शहर का जब भी चलूं मैं चलूं टहल का स्पीड करूं पर आई मीन जहर सा लड़के बोले मुझे पीठ पे तू रहम खा गड्डी दे शीशे हिले बजे जदू बेस कि वे करेगा तू हूं मेनू फेस फेस दोस्त मेरा साला वो तो बंदा ही था फेक मेरे लिए बनता सी ट्रिक जिंदगी आसान पर जीने का तरीका नहीं गाने मैंने बेचे पर खुद कभी बिका नहीं मैं आगे बढ़ता रहा एक जगह कभी टिका नहीं जो भी लिखा खुद से लिखा किसी से सीखा नहीं करना चाहते हिप हॉप बनाते थे जो टिकटॉक डॉन खड़ा सामने यू नीड टू पुट ओह माय गॉड करता बस शो ऑफ देख तेरे शहर आके घूमता मैं बेक ऑफ क्योंकि डॉन हूँ मैं पूछ अपने लड़कों से यहाँ कौन हूँ मैं तू बस करता रहता शोर मुझे करता रहता बोर यहाँ सब जानती है नंबर वन हूँ मैं
What a impactful song, what a impactful rap, oh my god. फीचरिंग था ये, फीचरिंग स्टैग जी भाई का था एंड छोटा सा पार्ट था एंड छोटे से पार्ट में भी भाई ने कुछ ऐसी बातें बोली जो कि मतलब अरे अब यार बंद हो जा यार, हाँ बंद हो गया, ऐसी कुछ लाइनें बोली जो कि थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से टिकटॉक हिप हॉप, मतलब जो बनाते थे टिकटॉक अब करते हैं हिप हॉप, तो आप समझ रहे होंगे कि कहाँ जा रहा है ये सारे लाइनें। जहां तक मैं बोलना चाहती थी दैट कि स्टैग जी भाई पहले चाय म्यूजिक लेवल के लिए काम करते थे, सबको पता है, एंड राइट नाउ आई थिंक कुछ लफड़ा हुआ है दोनों के बीच में, आमिर माजिद एंड स्टैग जी भाई के बीच में, जिसकी वजह से आई थिंक स्टैग जी भाई अभी गाने नहीं बना रहे उनके साथ। एंड या यहाँ पे उनका गाना डालने का रीजन भी यही है कि वो अब अपने एंड से गाना डालना चाहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, तो इस वजह से ये गाना ऐसे आया है। एंड या मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये गाना, जिस तरह से ये गाना स्टार्ट हुआ है, ओ माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये गाना इतना ज्यादा कमाल का होगा। द इम्पैक्टफुल लिरिक्स, मतलब इतने ज्यादा कमाल के लिरिक्स, मुझे उनका काम बहुत ज्यादा अच्छा लगा। स्टैग जी भाई तो अपने है ही कमाल के, मुझे मतलब स्टैग जी भाई का तो मैं देखते आ रही हूँ ना, प्राइम म्यूजिक लेवल से मैं देखते आ रही हूँ भाई को, इनकी तो फैन थी बट मुदस्तर की भी अभी मैं फैन हो गई हूँ, पहले गाने से ही भाई ने इम्पैक्ट छोड़ा है भाई, क्या बात है भाई, मजा आ गया। एंड ये गाना बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है क्योंकि ये पहला गाना है आई थिंक, आई डोंट नो मुदस्तर भाई का ये चैनल पे पहला गाना है या फिर नहीं, मैं चेकआउट जरूर से करूंगी, पहले तो इस वीडियो को लाइक करूंगी मैं एंड उसके बाद कमेंट ठोकूंगी भाई, कमेंट बहुत ही ऑसम लगा है मुझे ये गाना, जिस तरह से उनकी स्टार्टिंग हुई, जिस तरह से एंडिंग हुई, डॉन हूं मैं यहाँ का एंड ऑल दैट, जिस कौन सा वो सड़क है जो मेरे बाप ने खरीदा नहीं एंड ऑल दैट, ओ माय गॉड क्या लाइनें थी यार, कमाल की इम्पैक्टफुल एंड यू नो एटीट्यूड वाली लाइनें थी जो कि मतलब एकदम से यू नो किसी को भी एकदम ठक से लगेंगी, वैसी वाली लाइनें थी। एंड जहां तक बात करूँ स्टैग जी भाई की, तो मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत डिस करते हुए नजर आए अपने दोस्त को, तो अब वो दोस्त किसको कह रहे हैं, मेरा दोस्त वो तो था ही फेक, तो ये तो आप समझ ही सकते होंगे कि वो दोस्त किसको कह रहे हैं। सो या गाइस, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मुझे बस ये कहना है कि भाई का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, मैं तो उनको स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, स्टैग जी भाई को मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, भाई आप इतना ज्यादा टैलेंटेड हो ना भाई, आप इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, आप कहीं पे भी चले जाओ कुछ भी करो, लेकिन आपका गाना हिट होना ही होना है, इसीलिए उनकी तारीफ इतनी ज्यादा करती हूँ क्योंकि वो है तारीफ के लायक यार, तो बहुत ही कमाल लगा मुझे ये गाना। एंड आपको कैसा लगा ये गाना जरूर से कमेंट करके बताना, एंड अगर आपने ओरिजिनल गाना नहीं देखा अभी तक तो जाके ओरिजिनल चैनल पे जाके ओरिजिनल गाना जरूर से देखना, एंड मुझे लगता है इससे 1 मिलियन के करीब में तो व्यूज होते ही, अगर ये किसी बड़े चैनल पे अगर ये पोस्ट होता तो मैं तो यही बोलूंगी कि स्टैग भाई इसी तरह की अमेजिंग गाने लेके आओ एंड इंडिपेंडेंटली ग्रो करो भाई, आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हो एंड आप बहुत आगे जाओगे, मेरी दुआएं आपके साथ है एंड इसी तरह से ग्रो करते रहिए एंड हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। तो यार, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर से बताना, मेरा रिएक्शन कैसा लगा जरूर से बताना, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उन लोगों को भी दिखाना ये सॉन्ग। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय गाइस।